असुरा नगरिया है, भोजराज कंस का शासन है, कोई वृंदावन नगरिया नहीं है, नंद बाबा का शासन नहीं है। और धोबी बोला सुनो घनश्याम, यह तुम्हारी नंद बाबा की जागीर नहीं है, बहुत राजवंश का शासन है। भगवान कन्हैया आगे बढ़े, धोबी ने एक थप्पड़ दिया, धोबी बेहोश हो गया। उस समय बाद धोबी खत्म हो गया। भगवान ने वस्त्र लिए, दर्जी पे सेट कराए, और दर्जी पे जैसे ही वस्त्र सेट कराए हैं, दर्जी को आशीर्वाद दिया और आगे बढ़े तो क्या देखा कि तीन जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुबजा आ रही थी। कैसी है वो कुबजा? भगवान ने पूछा कौन है आप? बोले हम भोजराज कंस की दासी है। क्या करती है? बोले तिलक लगाती है। हमारे भी तिलक लगा रहे, लेकिन ग्वालन ने देखी सब पीछे हट गए। बोले ये कन्हैया बिल्कुल सिली है, जगह हाथ के छुए चने ना चना ना चबे जंगे, इतनी गंदी संधि आ रही है और कैसे मगर पास में जाके तिलक तिलक लगवावे वो। लेकिन भगवान को कुबजा
हमारे हाथी को हटा दो अंदर चले भगवान। कन्हैया कहने लगे पीलवान, और क्या कहा? जवाब दिया, हमारे धनुष को तुम ही उठा दे, ऐसे थोड़ी हट जाएगा। भगवान ने कहा जरा जरा से बालक है, अरे क्या होगा? बोले काम करो। भगवान कहने लगे पहरेदारो, Thank you.
कहते हैं पहरेदारों Thank you.